वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब सब तो पहले अपना नाम ते गतकी अकैडमी दा जिहड़ा नाम हुंदा ओह दस्सो, जिस तरह कि हमेशा ही तुहाडे बच्चे जित के आंदे आ उस बारे भी आपां गल करदे आ। हाँ, सब तो पहले अपना नाम ते गतकी अकैडमी दा नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी मेरा नाम है अमनदीप सिंह और इत्थे कोट खालसा सुंदर नगर आपां गतका क्लास लैंदे आ बाबा बघेल सिंह गतका अखाड़ा अमृतसर। जिस तरह कि अज फिर तुहाडे बच्चे जित के आए आ उस बारे की कहना चाहुंगे? इस बारे देखो जी, बच्चों की मेहनत है जी, बच्चे दिन रात एक करके मेहनत करके इतों तक पहुँचे, इन्ना मुकाम हासिल किया जी। बड़े माण वाली गल है कि अमृतसर के मेरे चार बच्चे ही गए ने, चार बच्चों ने गोल्ड मैडल आया जी। इतों पहला स्टेट हुई है, स्टेट के भी गोल्ड आए ने, उस तो बाद उपर गए ने अपने नैशनल आसाम विखे हुई है, आसाम विचों भी गोल्ड मैडल जीत के इन्होंने अमृतसर जिले का नाम रोशन किया है जी। सर तुम और बच्चों की स्नेहा देना चाहते हो जेडे कि सिक्खी तो वांझे हो चुके हैं या उन्होंने एक चंगा गुरु नहीं मिल रहा है जो गतका सीखना चाहते हो? देखो जी, सब तो पहला अपन चंगे गुरु की परख भी करनी जरूरी है, जोड़ा कि आप भी फिर ही आप चंगा गुरु की भाल कर सकते हैं। जिमें कि देख लो तुम, अज मेरे को तकरीबन 70% अमृतसर जिले के बच्चे गतका खेड चुके ने, उन्हां दे विच्चों जिहड़ा बच्चा कोई गलती करता वा, चाहे वह लड़का वा चाहे लड़की आ, मैं अपने अखाड़े तो बाहर कढ़ दिता गया, क्योंकि मेरे को प्रूफ है कि मेरे को छोटे बच्चे भी खेडते रहे, वड्डे भी खेडते रहे, वड्डे लड़के लड़कियां सारे खेडते रहे, बट अज यही बच्चे क्यों टिके ने, क्योंकि ये सही रस्ते ते चलते पे ने। अज वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम कुशलदीप सिंह है ते मैं हुण साम तो नैशनल खेड के आया, गतके विच उस गोल्ड मैडल प्राप्त किया, उत्थे 20 स्टेटां ने भाग लिया सी, जिस विच साडा फाइनल मैच हरियाणे नाल पिया, उस तो आपां गोल्ड मैडल लै के आए। किन्ना के समां हो गया तुहानूं गतका खेडदे? मैनूं 8 साल हो चले। ते होर तुसीं पंजाब वासियां दे जे लड़के आ उहनां नूं की सुनेहा देणा चाहुंदे, जिस तरह कि तुसीं गतके विच हमेशा जित के आ रहे हो? तो बाकी बच्चों यही स्नेह, सारिया गेम चंगिया ने, उन्होंने किसी गेम वाल जाना चाहिए है, कल पढ़ाई नहीं, उन्होंने गेम भी खेडनी चाहिए है, जहाँ फिजिकल फिटनेस भी उन्होंने शरीर में बनी रहती। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत प्राउड फील करता वा जी कि मैं आसाम से जो ये नैशनल जोगा वा होया उ खेड के आया नैशनल। मेरे उस्ताद जी तो मेरे घर के बहुत माण करते हैं, मेरे तो बहुत खुशी है उन्होंने कि मैं आसाम तो जित के आया वा, कि 20 स्टेटा विचों गोल्ड मैडल हासिल किया वा, बहुत माण वाली गल आ। इस करके मैं वधिया फील करता पिया वा कि मैं गोल्ड मैडल जितने। अगे वाद के किस तरह कि मैं और नैशनल तो भी गांव जाना चाहुंदा वा, कि मेरा अखाड़े का नाम रोशन होवे, मेरे उस्ताद जी का नाम रोशन होवे, मेरे घरदिया का नाम रोशन होवे, जिस करके जिवें कि मैं खेलो इंडिया खेलना चाहुंदा वा, फिर एशिया कप अलग अलग गेम है इवेंट है जिद मैं खेलना चाहुंदा वा। हाँ जी, भैनों नूं भी अगे होना चाहिए वा गतका खेलने, क्योंकि कुड़ी हर एक गेम च जी कुड़ियां महानता मिलती पई है, इस करके गलत गतके च भी कुड़िया आना चाहिए वा, वधिया मुकाबले हाँ खेलने चाहिए उन्होंने। जिस तरह की गतका अकैडमी एक जेतू हमेशा जितती आ रही है, पंजाब सरकार वालों तुहानूं कोई मुनाफा मिलिया जां उन्हां वालों कोई संजोग मिलना हो? नहीं जी, हजे तक का कोई संजोग जां कुछ कुछ नहीं मिलिया जी, हले तक कुछ नहीं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਸਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕੇ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਸਦਕੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ,
मैं हर जगह खेडती हाँ, हर जगह तो जित के आनी हाँ। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ठीक है ना सर, जिस तरह कि अज बच्चे जित के आए हैं ना, तो होर ना तो पंजाब वासियों को की स्नेह देना चाहते हो, जिम्मे गतके अखाड़े है या कीर्ति जिते कई सेंटर है ना जी, उन्होंने सेंटर गतका अकैडमी वाले की स्नेह देना चाहते हो, जिस तरह कि ते बच्चे हमेशा जित के आते। देखो जी स्नेहा तो यही है कि बच्चे अपने चंगी तरह परवरिश उन्हों की होनी चाहिए आ, बच्चों चंगी खुराक चाहिए आ, बट अज देखा जाए तो खुराक सानू मिलेगी कितों, आप देखते पे हाँ अखाड़े आप चला रहे हैं शस्त्र विद्या भी सिखा रहे हैं, बट गल टुकदी है कि एक बजट साढ़े को है नहीं, जो कि चाहिए सानू एस जी पी सी मैंबर कोई किसी ना लिंक हो या कोई गलबात करे कि हाँ जी तुम इन्नी सेवा करते पे जो इन्नी की सेवा असी करते हैं ताकि बच्चों खुराक मिल सके। हुण बिना खुराक तो जे आप कही कि बच्चे उन्ना दम नहीं लगा सकते, पिछे डाइट चाहिए आ, जे आप पंजाब की नौजवानी बचा चाहते हैं इन्ना क उदम तो साढ़िया सिख संस्थावान भी करनी चाहिए है।